सार्वजनिक दुर्गा मंदिर कदवा के प्रवेश द्वार का हुआ निर्माण। कटिहार जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत कदवा गांव के दुर्गा मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण ग्रामीणों ने अपने सहयोग राशि का प्रयोग कर किया। इस मौके पर ग्रामीणों में काफी खुशी व्याप्त है। आस्था से जुड़े लोग आकर अपनी श्रद्धा और भक्ति का आनंद भी लिया। उनका कहना है कि वर्षों से इस मंदिर का प्रवेश द्वार नहीं था तथा श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मैं आमिर अभी मौजूद है कटिहार के कदवा प्रखंड अंतर्गत कदवा गांव में, और यहां पर सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार नहीं होने के कारण बीते कई वर्षों से यहां के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए यहां के ग्रामीणों ने अपने कुछ पैसे को एकत्रित कर यहां पे गेट प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है मंदिर कमेटियों के द्वारा। आइए हम उनसे बातों पर मुखातिब होते हैं। उनसे क्या नाम है जी? प्रमोद विश्वास नाम है मेरा। ये कौन सा जगह? ये कदवा पंचायत के कदवा गांव में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है, और इनके सब हम ग्रामीण सुचारू रूप से चलाते हैं। इसी में आपस कमेटी में ही निर्णय हुआ कि एक प्रवेश द्वार होनी चाहिए। हम ग्रामीणों ने आपस में मिलके ये सलाह मशवरा किया, और उसके बाद निर्णय के बाद हम ग्रामीणों ने सभी का सहयोग से, पूरे ग्राम के सहयोग से ये गेट का निर्माण आज दिनांक 17/1/2021 को हमने शुरू किया है। सहयोग किन लोगों का ज़्यादातर रहा है? हमारे ग्रामीणों का, पूरे ग्रामीण वासियों का, हमारे कदवा वासियों का जो है पूरा सहयोग रहा। उन्हीं से 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, कोई नेतागण नहीं है सामने? नहीं, कोई इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। नेतागण आपने मदद मांगी? नहीं नहीं, हमने मांगी भी नहीं, और ग्रामीणों का सहयोग ये रहा कि वो भी बोले, ग्रामीण भी बोले नहीं इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और पूरे ग्रामीण का सहयोग से ये बन रहा है। कितनी की लागत से बन रहा है ये? अभी तो हम लोगों ने उतना निर्णय नहीं किया है कि कितना लगेगा। संभवतः बता दीजिए। संभवतः 2 से 3 लाख के लगभग जी। और भी यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे जानते हैं। हमारे दरवाजा नहीं होने के कारण कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था? परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा था। यहाँ चौड़ीकरण भी हो गया, यहाँ गड्ढा था दोनों तरफ। जब मेला लगता था तो हमारे आने वाले जो श्रद्धालु थे वो गिर जाते थे, इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, पूरे गांव को बुलाया, और ये निर्णय लिया कि इसको पूर्ण करना है। कदवासियों को क्या संदेश देंगे आप, जिन्होंने इस पर योगदान आपको दिया? इसमें तो सभी का सहयोग है, और सभी को धन ज्ञापन करेंगे सबका। श्रीनिवास विश्वास जी, मैं सचिव हूँ यहाँ का जी। यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, हम उनसे जानते हैं। कब से है यहाँ पे? आप कहाँ के रहते हैं? कदवा जी। कब से नहीं था यहाँ दरवाजा? दरवाजा नहीं बना था, शुरू हुआ आज। नहीं नहीं, हाँ किसी ने सहयोग नहीं किया था? नहीं, कोई नहीं, हम लोग गांव वाला सहयोग किया है। बीते कई वर्षों से जो नहीं था, किसी को प्रॉब्लम होता था, किसी को समस्या से अवगत नहीं करवाते? नहीं नहीं नहीं। अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे? खुशी की बात है आज। क्या नाम? प्रभात विश्वास, हाँ कदवा का। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाम राय है। एक कदवा है। प्रवेश द्वार बन जाने से कितने खुश हैं? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हम लोग। प्रवेश द्वार बन जाएगा, देखने में अच्छा रहेगा, माता का दर्शन लग जाएगा, तो साथ साथ यहाँ का भी कुछ डिजाइन बनेगा, सबका सहयोग से ये बन रहा है। जो कई वर्षों से नहीं थे, मेला लगाया जाता था, कितने की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे? यहाँ सर श्रद्धालु लगभग 4,000, 5,000, 10,000 का आसपास में आ जाता है। अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे? अन्य लोगों को जो हम लोगों को मदद किया बहुत अच्छा है, धन्यवाद है सबको, माता जी सुखी रखे। ऐसे मेरा नाम सुदाम राय, मैं आमिर कहती हूँ कटिहार के लिए।